हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम तोरण पट्टी यानी झालर, पर्दा गिर्ध जो भी बोलिए, सब वो बनाना सीखेंगे। इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और देखने में बहुत सुंदर है। आप कोई और भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चौड़ा बनाना हो तो इसको एक है तो ये, फिर ये है, फिर इसके बाद भी येलो लगा सकते हैं तो ये चौड़ा भी बन जाएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे और नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। झालर की पट्टी बनाने के लिए पहले हम एक चेन बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे और जितना बड़ा पट्टी चाहिए उतना बड़ा चेन पहले बनाएंगे लंबाई के हिसाब से। एक इस तरह से इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है, चौड़ाई में नहीं लंबाई में बनेगी। इस तरह से आप जितना लंबा चाहिए उतना बड़ा चेन बना लें। यह मैंने अपने दरवाजे के हिसाब का एक पट्टी मतलब चेन बना लिया है पूरा। अब यहाँ से डिज़ाइन डालते हैं, एक दो तीन चार। फर्स्ट में हम चार पे डालेंगे डिज़ाइन, इस तरह से ये हुआ एक चेन, तीन डबल क्रोशिया। फिर अब हम यहाँ से देखेंगे, एक दो छोड़ के तीसरे में आएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ इस तरह से बुन देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ तीन चेन बुनेंगे, तीन। फिर हमें इसी होल में डिज़ाइन बनाएंगे, पहली लाइन थोड़ी संभल के करनी होती है। एक दो तीन, इस तरह से बनना। फिर हम एक दो छोड़ देंगे तीसरे में आके, फिर से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ दिए, फिर एक दो तीन, तीन चेन लिए। फिर इसी होल में जहाँ जोड़े थे यहाँ से डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। फिर हमें स्पिनिंग दो, तीन डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ एक दो तीन, तीसरे में आएंगे, यहाँ से तीन चेन, एक दो तीन। फिर यहाँ से इसी होल में डबल क्रोशिया,
डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक दो तीन, तीसरे में फिर से आके जुड़ेंगे, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ से तीन डबल क्रोशिया सेम हो गई, तीन डबल क्रोशिया यहाँ सेम हो गया, यहाँ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इसे एक दो तीन तीसरे में आके जुड़े, इसी तरह से ये पूरी लाइन हम पहले ले जाएं। फिर हम यहाँ आ गए बनाते हुए इस तरह से पूरे में, इस तरह से पूरा बनते हुए गया। यहाँ ये थोड़ी चेन मैंने एक्स्ट्रा रख दिए हैं जो बांधते हैं ना उसके लिए, जब तोरण को बांधते हैं उसके लिए। फिर हम यहाँ आ गए, अब यहाँ से सेकंड राउंड में जाएंगे, एक दो, दो चेन लेंगे, फिर यहाँ इस जगह हम आएंगे, ये जो चेन है इसके बगल ये डबल क्रोशेट है, इसके अंदर से इस तरह ले जाएंगे और यहाँ से इस तरह खींच के पहले जोड़ देंगे, हाँ ये हो गया। फिर हम चेन बुनेंगे, एक दो तीन, तीन चेन हुआ, फिर ये जो चेन है साइड में उसमें हम डबल क्रोशेट तीन बनाएंगे, एक दो, एक तीन, ये इस तरह से। अब फिर हम यहाँ आएंगे, फिर इस चेन के बगल इसमें, फिर यहाँ से ये इसके बीच से लाके फिर यहाँ हम जोड़ेंगे इस तरह से, फिर एक दो तीन, फिर इस चेन में तीन डबल क्रोशेट। ये काफ़ी इजी है बनाने में, बस खाली एक बार समझ जाइए बस अच्छे से, देखने में बहुत सुंदर भी लगता है। फिर हम इस जगह जाएंगे, यहाँ यहाँ ले जाके जोड़ेंगे, एक दो तीन, फिर यहाँ तीन डबल क्रोशेट, तीन डबल क्रोशेट, इस तरह से फिर इसमें आके जुड़ेंगे इस तरह, ये देखिए इस तरह से बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे ऐसे जाते हुए। यहाँ हम बनाते हुए आ गए इस, अब हम यहाँ आके जोड़ देंगे, चेन के बगल जो है उसमें जोड़ेंगे, जोड़ के इसे हम कट करके खींच देंगे। अब हम यहाँ नया कलर लगाएंगे, इस तरह से खींच लेंगे और इसे टाइट कर देंगे, फिर हम यहाँ से घूम जाएंगे। ये हम जोड़ लिए, अब हम एक दो तीन चेन बनाएंगे, फिर अब हम इस जगह से
दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर हम इसमें आएंगे, यहाँ जोड़ देंगे, इस तरह से, फिर एक दो तीन, यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन, ये हो गए लाइन सीधी। फिर अब हम यहाँ आएंगे इसमें चेन के बगल में, फिर यहाँ के जोड़ेंगे इस तरह से, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, एक दो तीन, फिर इसमें आएंगे यहाँ, ये जो बने होते हैं ना इसके बगल वाले में, इससे यहाँ जोड़ेंगे, एक दो तीन, ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा, बस एक बार समझ लीजिए अच्छे से, बस वीडियो देखेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। एक दो दो तीन, ये हो गया। फिर यहाँ हम आएंगे इस वाले में, यहाँ जोड़ेंगे, इस तरह से आप बनाते हुए जाएंगे, हो जाएगा पूरी लाइन ही बन जाएगी लास्ट तक। इसमें एक गांठ मार के काट देंगे या सूता इस साइड ला के कर देंगे। इस तरह से हम ये पूरा लाइन बुन लिए। अब यहाँ हम किनारे आ गए, इसमें आ गए तो इसमें टांग के फिर यहाँ किनारे हम तीन डबल क्रोशिया बना के ये लाइन कंप्लीट करेंगे। दो एक तीन, ये हो गया। फिर हम यहाँ आके इसमें टांग देंगे, इस चेन में जो ये इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ से अब दो चेन बुनेंगे इस तरह से, फिर हम घूम जाएंगे इधर, फिर हम आएंगे यहाँ इस वाले में, जैसे सारे में बनाए हैं उसमें यहाँ आएंगे, इसे जोड़ेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया, ये हम लास्ट लाइन बना रहे हैं। अगर चौड़ा किसी पट्टी चाहिए तो और भी इसी तरह से किसी और कलर की भी लाइन बना सकता है, या येलो कलर इधर लाके लगा सकता है, बीच में ग्रीन हो जाएगा, येलो इस पे हो जाएगा।
दोनों साइड येलो, बीच में ग्रीन। तीन हो गया। फिर हम यहाँ आके फिर इसमें जोड़ देंगे, एक दो तीन। तीन फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया, फिर हम आके यहाँ इस वाले में जोड़ देंगे। इस तरह से पूरी लाइन लास्ट तक बना देंगे, इस तरह से, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से ये हम बनाते बनाते यहाँ आ गए। इसको भी दो लाइन बनाए थे, इसको भी दो लाइन, सब सेम ही बनाए हैं। फिर यहाँ ये दो हुआ है, एक तीन, तीन डबल क्रोशिया। फिर यहाँ आके हम कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। आप यहाँ भी ऐसे डोरी बना सकते हैं बांधने के लिए। देखिए कितना सुंदर हो गया, बहुत इजी ढंग से बना सकते हैं। एक पूरा मैंने एक बड़े गेट का बनाया है।